उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम रीच पे। तो दोस्तों इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंतर्गत आने वाले न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड की तरफ से 2022 पे वर्क असिस्टेंट की जो 72 वैकेंसियाँ आई थी इसके एग्ज़ाम की रिकॉर्डिंग सारे आपके क्वेश्चन। आप सभी लोग के कमेंट्स आते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या है, किस किस माध्यम पे होगा, मैंने सारे क्वेश्चन को आपके साथ इंक्लूड किया है। ठीक है, सारे डाउट का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सारे कमेंट्स का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपन इन सभी क्वेश्चन को अपन एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहता है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो दोस्तों इसकी जानकारी मैं आपको सबसे लास्ट पे दूंगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या इस एग्ज़ाम पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जी हाँ यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि एक क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तो एक क्वेश्चन सही करने के लिए आपको कितने मार्क्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों यदि मैं आपको बता दूँ यदि आप यहाँ पर एक क्वेश्चन को सही करते हैं आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं, और यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत करते हैं ठीक है तो आपके वहाँ पे 1 मार्क्स काट लिए जाते हैं। ठीक है, सिंपल वे पे यही है, आपके यहाँ पे सही क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 3 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत आप किसी क्वेश्चन को करते हैं तो वहाँ पे -1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 50 क्वेश्चन रहते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए, और निगेटिव आंसर के लिए आपको यहाँ पे यानी कि यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत करते हैं तो वहाँ पे आपको 1 मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ ये 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहते हैं, तो आपको इतना भी याद रखना है। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के, यानी कि 150 नंबर का आपका पेपर यहाँ पे रहेगा। 50 प्रश्न रहेंगे, सही उत्तर के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत करते हैं तो वहाँ पे आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। होपफुली आप सभी लोग निगेटिव मार्किंग से रिकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूँगी जो निगेटिव मार्किंग होती है ना, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों पे होते हैं, और दोनों पे 50-50 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं और 150 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो आप सभी लोग समझ गए ना। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे बात आती है स्क्रीन आउट और स्क्रीन इन लिस्ट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे सिंपल वे पे समझिए कि यदि आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं ठीक है, वहाँ पे यदि आपका फॉर्म गलत फिल हो जाता है तो आप स्क्रीन आउट लिस्ट पे चले जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा। और स्क्रीन इन लिस्ट का मतलब ये हुआ कि यदि आप फॉर्म को सही फिल करते हैं, किसी प्रकार की गलती नहीं करते हैं, तो आपको स्क्रीन इन लिस्ट पे डाल दिया जाएगा और आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सिंपल वे पे सही समझा देता हूँ। स्क्रीन आउट लिस्ट का मतलब ये हुआ कि इनको एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, और स्क्रीन इन लिस्ट का मतलब ये हुआ कि एग्ज़ाम देने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना आप सभी लोग समझ गए ना। हालांकि दोस्तों एक प्रोसेस होती है स्क्रीन आउट लिस्ट वाले कैंडिडेट के लिए, यदि फॉर्म फिल करते समय कोई गलती हो जाती है ठीक है उनके द्वारा, तो 1 हफ्ते के अंदर एक मेल आता है, उस मेल पे अपने डॉक्यूमेंट को भेज के आप स्क्रीन इन लिस्ट पे आ सकते हैं। लेकिन आप सिंपल वे पे यही समझिए कि स्क्रीन आउट का मतलब आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, और स्क्रीन इन लिस्ट का मतलब आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। सिंपल है, आप सब लोग इतना समझ सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है वर्क असिस्टेंट का सिलेबस क्या होता है, तो चलिए मैं आपको इसे भी समझा देता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो मैथ आती है, इसके बाद साइंस के क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद जनरल अवेयरनेस और GK के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं 20, साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं 20, और करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं 10, यानी कि टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और ये 50 क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर के। आप सभी लोग समझ गए ना, जो स्टेज 1 होता है यहाँ पे मैंने स्टेज 1 लिखा है। स्टेज 1 पे मैथ के क्वेश्चन आते हैं 20, साइंस के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे 20, और जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं 10। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहते हैं स्टेज 1 पे। इतना आप सभी लोग समझ गए ना, और ये 50 क्वेश्चन रहते हैं 150 मार्क्स के।
होपफुली आप सभी लोग इतने समझे ना। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप यहाँ पे इन 50 क्वेश्चन पे यदि आप सही क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तो आपको सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को सही करते हैं तो आपको वहाँ पे 3 मार्क्स दिया जाएगा, यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत करते हैं तो आपके वहाँ पे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो प्रत्येक क्वेश्चन रहता है ना, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे रहता है आपका तीन नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, ठीक है। इस तरह से 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं 150 नंबर के। इतना आप सभी लोग समझ गए, होपफुली आप सभी लोग सिलेबस को लेकर किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने अभी स्टेज 1 की बात की थी, अब बात करता हूँ स्टेज 2 की। स्टेज 2 पे क्या क्या होता है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आते हैं स्टेज 2 पे, साइंस के क्वेश्चन आते हैं, जीके के क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ आपके यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। यानी कि मैथ के क्वेश्चन आते हैं, साइंस के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ के क्वेश्चन आते हैं 15, साइंस के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे 15, जीके और करंट अफेयर के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं 10, इंग्लिश के यहाँ पे 10 कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन रहते हैं, और ये 50 क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहते हैं, 150 नंबर के। तो आपको इतना भी याद रखना है, इतना आप सब लोग समझ गए ना, ठीक है। स्टेज 2 पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने स्टेज 2 लिख दिया है। स्टेज 2 पे मैथ के क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर और जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के यहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहते हैं 150 नंबर के, ठीक है। यानी कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे कितने नंबर का रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको यहाँ पे रहता है 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है, यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत करते हैं तो वहाँ पे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। इतना आप सभी लोग समझ गए, ये स्टेज 2 का सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों बात आती है, क्या स्टेज वन के नंबर स्टेज 2 पे जुड़ते हैं, तो मैं आपको बता दूँ नहीं। स्टेज 1 जो होता है सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, किसका होता है, सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, और स्टेज 2 से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। जो स्टेज 2 होता है इससे आपकी मेरिट डिसाइड होती है, मेरिट आपकी इसी के बेस पे बनती है। तो आपको याद रखना है कि जो स्टेज 1 होता है सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है और स्टेज 2 मेरिट बेस पे होता है। अब दोस्तों बात आती है, लेकिन मैंने आपको तो बता दिया स्टेज 1 क्वालिफाई नेचर का है, लेकिन इसकी कट ऑफ दोस्तों हाई जाती है, ठीक है। इसकी कट ऑफ क्या होती है, इसकी कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है, इसकी कट ऑफ जाती है हाई। और मैं आपको बता दूं जितनी भी वैकेंसी रहती है ना, मान के चलिए यहाँ पे वर्क असिस्टेंट की कितनी वैकेंसी आई है, वर्क असिस्टेंट के टोटल यहाँ पे वैकेंसी आई है 72। तो स्टेज 2 पे जितने भी कैंडिडेट होंगे ना, स्टेज 2 के लिए यहाँ पे सिर्फ 72 के 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि 360 कैंडिडेट को यहाँ पे स्टेज 2 के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि जितनी भी वैकेंसी रहती है उसके 5 गुना स्टूडेंट को स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। तो इतना आप सभी लोग समझ गए। और कट ऑफ वाली बात आती है, तो दोस्तों यहाँ पे आप एक वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने कट ऑफ के बारे में सारी जानकारी दे दी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे मोटे तौर पे बता देता हूँ, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, तो आप मान के चलिए यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यदि आप 140 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं तभी आपके यहाँ पे चांस बनेगा, ठीक है। स्टेज 1 की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, स्टेज 2 पे यहाँ पे दोस्तों 138 से लेके 140 के बीच यहाँ पे आपको सही करना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ पे जो एससी एसटी कैंडिडेट होते हैं 130 से लेके यदि 140 तक सही कर देते हैं तो आपको यहाँ पे स्टेज 2 देने का मौका मिल जाता है। तो होपफुल दोस्तों मैंने यहाँ पे कट ऑफ भी बता दी है एक मोटे तौर पे, ठीक है, और कट ऑफ वाली वीडियो पे मैंने बता दिया है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे स्टेज 1, स्टेज 2 और उनके कट ऑफ के बारे में सारी जानकारी दे दी है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात आते हैं एग्जाम का पेपर कौन कौन से मीडियम पे आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो पिछले साल का पेपर हुआ था
वर्क असिस्टेंट का, उस पर कौन कौन से मीडियम आई थी? एक तो इंग्लिश मीडियम पे भी आया था, दूसरा यहाँ पे हिंदी मीडियम पे भी आया था, और यहाँ पे मराठी लैंग्वेज पे भी आया था। यानी कि तीन मीडियम पे आपके यहाँ पे एग्ज़ाम के पेपर आते हैं, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। इन तीनों लैंग्वेज पे आपका वर्क असिस्टेंट का पेपर आता है, ठीक है। आप पिछले साल का पेपर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। वहाँ पे तीन लैंग्वेज के पेपर आए हुए थे, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज से क्वेश्चन, मराठी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इतना याद रखना है। अब दोस्तों बात आती है एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था स्टेज वन पे मैथ, साइंस और यहाँ पे जीके, करेंट अफेयर्स। यहाँ पे मैथ के यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहते हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन और यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के। इसी तरह से स्टेज टू पे मैथ के 20 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे स्टेज टू पे, साइंस के 15 क्वेश्चन, जीके, जीएस के यहाँ पे 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम पे किसके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपको बताया कि मैथ से 20 क्वेश्चन रहते हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन रहते हैं, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन रहते हैं। ये स्टेज वन हुआ। यदि आप स्टेज वन को क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्टेज टू देने को मौका मिलेगा, और स्टेज टू पे मैथ के 15 क्वेश्चन रहते हैं, साइंस के 15 क्वेश्चन रहते हैं, जीके के 10 क्वेश्चन रहते हैं और इंग्लिश के यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट को मिला के यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं। होपफुली आप सभी लोग इतना समझ गए ना। अब दोस्तों बात करते हैं क्या यहाँ पे महाराष्ट्र जी के भी आता है, तो मैं आपको बता दूँ, जी हाँ दोस्तों, करीब आप मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन महाराष्ट्र जी के से भी आपके वर्क असिस्टेंट के एग्ज़ाम पे पूछे जाते हैं। यदि आप स्टेज वन यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट का पेपर देखेंगे पिछले साल का वर्क असिस्टेंट का, तो आप पाएंगे कि 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट महाराष्ट्र जी के से पूछे गए थे। तो आप सभी लोग सोचेंगे कि यहाँ क्या इस एग्ज़ाम के लिए महाराष्ट्र जीके भी पढ़ना ज़रूरी है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप सभी लोग मोटे मोटे तौर पे आप इस जीके को पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो स्टेज वन होते हैं, स्टेज वन पे ये 5-6 क्वेश्चन ही आपकी मेरिट को डिसाइड करते हैं स्टेज वन के, जो स्टेज टू देने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो स्टेज वन होते हैं उस पर ये इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं महाराष्ट्र जीके के से रिलेटेड। तो यदि आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे तो ही आप स्टेज टू पे जा पाएंगे, आप इतना याद रखिएगा, क्योंकि यदि आप एक क्वेश्चन को भी गलत करते हैं तो वहाँ पे आपके करीब 4 मार्क्स कट हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको महाराष्ट्र जीके भी कंप्लीट करना है तो ही आप स्टेज टू दे पाएंगे। स्टेज टू के लिए 5-6 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं स्टेज टू पे कंपटीशन बहुत कम होते हैं। स्टेज टू पे सिर्फ 360 कैंडिडेट ही एग्जाम देंगे, तो इनमें कंपटीशन कम रहेगा। लेकिन स्टेज टू पे आप मान के चलिए, स्टेज वन होता है, स्टेज वन पे आप मान के चलिए 1 से 2 लाख कैंडिडेट पेपर देंगे, 1 से 2 लाख से सीधे 360 कैंडिडेट आएंगे ना, तो आपको ए वाले क्वेश्चन डिसाइड करते हैं आपके स्टेज टू के लिए, तो आप इतना याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्या स्टेज वन और स्टेज टू पेपर साथ में होता है, तो मैं आपको बता दूं, जी नहीं, स्टेज वन का पेपर पहले हो जाता है और स्टेज टू का पेपर बाद में होता है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेज वन का रिजल्ट कब तक आ जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है करीब 2 से 3 मंथ के अंदर आपके स्टेज वन का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, स्टेज वन का रिजल्ट आ जाता है। और स्टेज वन पे जितने कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं उन्हें स्टेज टू का मौका दिया जाता है, ठीक है, तो आप सब लोग इतना समझ गए। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेज टू एग्ज़ाम कब हो जाता है, तो दोस्तों जैसे ही आपका स्टेज वन का रिजल्ट आता है उसके 2 मंथ के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाता है। कितने मंथ के अंदर अंदर? 2 मंथ के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेज टू का रिजल्ट क्या है, जो कि फाइनल रिजल्ट होता है, और मैं आपको बता दूं, जो मेरिट डिसाइड होती है ना स्टेज टू के आधार पे ही आपकी मेरिट डिसाइड होती है। तो ये जो आपका फाइनल रिजल्ट रहता है स्टेज टू वाला, ये वाला रिजल्ट आपका करीब 3 से 4 मंथ के अंदर वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है, ठीक है, इतना ही टाइम लगता है। आप सभी लोग देख सकते हैं पिछले साल वैकेंसी वाले को, पिछले साल जो वैकेंसी आई थी उसके स्टेज टू का रिजल्ट 2 से 3 से 4 मंथ आने में लग गया था, और जो इतना आपका रिजल्ट आ गया और आपका फाइनल सिलेक्शन करीब 1 से 2 मंथ के अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो इतना आप सभी लोग समझ गए।
अब दोस्तों बात करते हैं, क्या यहाँ पे मेडिकल इशू भी होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मेडिकल इशू तो नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल से आपका यहाँ मेडिकल चेकअप होता है, तो आपके यहाँ पे इसकी दिक्कत नहीं लेना है किसी भी तरह की। अब दोस्तों बात करते हैं, क्या हमारे चैनल से जो वीडियो हैं आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आते हैं? तो दोस्तों इसका निर्धारण आप सभी लोग स्वयं करेंगे। आप सभी लोग को क्या करना है, वर्क असिस्टेंट का जो पिछले साल का पेपर आया था आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा। आप उन क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, और मैंने उस पेपर होने से पहले जितने भी वीडियो अपलोड की थी तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। आप पाएंगे कि करीब 50 क्वेश्चन में से 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारी वीडियो से पूछ लिए गए थे। ठीक है, हमारे क्लासेस मैंने आपको जितना भी पढ़ाया था उससे 30 से 35 क्वेश्चन तो हमारी वीडियो से डायरेक्ट पूछे गए थे। तो आप उन वीडियो को देख के आप अपने वर्क असिस्टेंट के प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन की गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन आपको 15 क्वेश्चन की तैयारी खुद करना पड़ेगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है, मैं यहाँ पे महाराष्ट्र जी के भी कंप्लीट करा दूंगा, करेंट अफेयर भी कंप्लीट करा दूंगा, और यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, मतलब मिसलेनियस टाइप, तो उन क्वेश्चन को भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को देख के आप अपने वर्क असिस्टेंट की प्रिपरेशन को पूरी कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आप सभी लोग का डाउट आता होगा कि वर्क असिस्टेंट का एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों मैंने अभी एक कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि वर्क असिस्टेंट का एग्जाम कब तक हो सकता है। तो उसमें दिया गया था कि दिसंबर 2023 तक आपकी वर्क असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो जाएगा, यही मैंने बताया था ना आपको, करीब 6 मंथ के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों आप मान के चलिए आपका एग्ज़ाम तो दिसंबर 2023 के पहले पहले हो जाना चाहिए, और मैंने आपको जितनी भी प्रोसेस बताई है ना, सारी प्रोसेस इसी तरह से रहती है। ठीक है, यूट्यूब पे कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो इस वैकेंसी को लेके उटपटांग जानकारी देते हैं, तो आपको उनके बहकावे पर नहीं आना है। ठीक है, सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, तो आप सब लोग स्वयं देखिए, स्वयं समझिए और अपने हिसाब से आप निर्धारण लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी भी तरह की जानकारी जो मैंने आपको बताई है, किसी भी तरह की फेक जानकारी नहीं बताई है, मैंने खुद इस पेपर को दिया है। ठीक है, सिलेक्ट हुआ हूँ, इसके बाद मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो आप सारी चीज़ों को एक बार देख सकते हैं और अपने हिसाब से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। होपफुली मैंने आपके सारे कमेंट्स का जवाब दे दिया होगा, फिर भी आपके मन पे इन क्वेश्चन को लेकर किसी भी तरह का डाउट है कमेंट से, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।